हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड सेवेंथ बच्चों, आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने जो इनफॉर्मल अनौपचारिक जो पत्र लेखन लिया था, वह पत्र लेखन मैंने वीडियो में ही आपको बताया था कि यह पत्र आपको हिंदी नोटबुक में ही लिखना है और ये जो पत्र लेखन का क्रमांक है तीसरा है। मतलब फर्स्ट निबंध मैंने लिया था पुस्तकों का महत्व, दूसरा लिया था कहानी लेखन और तीसरा टॉपिक मैंने लिया पत्र लेखन अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल पत्र। बच्चों आप वीडियो जो सुनते हो अच्छी तरह से सुनो, मैंने सब उसमें सब जानकारी दी है, किसमें लिखना है, कहाँ लिखना है, कितना कौन सा टॉपिक है, क्या जो भी जानकारी मैं देती हूँ मैं वीडियो में ही बताती हूँ। बच्चों आप अच्छी तरह से सुनो, हाँ बच्चों ध्यान देना है और मैं जोर से ही लाउडली ही बोलती हूँ, आप किसी को सुनाई नहीं दे रहा है लेकिन मैं इतना जोर से बोल रही हूँ आपको आवाज आएगा, क्योंकि नहीं तो किसी किसी को आवाज नहीं आएगा, इसलिए मैं जोर से ही आपको पढ़ाते समय में इतना लाउडली बोलती हूँ, ठीक है। और यह सब जानकारी जो भी रिटर्न नोट्स दिए है वो सब मैंने हिंदी नोटबुक में ही दिए है। किसी की हिंदी नोटबुक खत्म हुई होगी तो मैंने कहा है दूसरी न्यू बुक बनानी है, लॉन्ग बनाई है किसी ने तो भी चलेगी, किसी ने शॉर्ट बनाई है तो भी चलेगी बच्चों, क्योंकि किसी किसी ने प्रॉब्लम बताया था इसलिए मैंने बोला नोटबुक शॉर्ट भी चलेगी लॉन्ग भी, लेकिन हैंडराइटिंग अच्छी हैंडराइटिंग और शुद्ध और साफ हैंडराइटिंग से लिखना है। और किसी किसी ने नोट्स भी मुझे भेजे हैं, बहुत अच्छी तरह से लिखे हैं बच्चों, वेरी गुड उनके लिए, लेकिन किसी किसी ने भेजे ही नहीं है नोट्स, और किसी किसी का मैंने चेक भी किया है और किसी का नोट्स जो किसी ने भेजे थे मेरा नेट का प्रॉब्लम था इसलिए मैं चेक नहीं कर पाई, तो मैं आप भेजो मैं चेक करूंगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज मैं रिटर्न वर्क आपको कुछ भी नहीं देने वाले, आप हमेशा बोलते हो इतने नोट्स, लेकिन बच्चों सुनो आप लिखोगे तो ही आपको पता चलेगा कि यह पाठ हो गया, ये ग्रामर हो गया, ये निबंध लेखन हो गया तो आपको पता चलेगा, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि टीचर ने हमें क्या पढ़ाया है। हाँ इसलिए मैं रिटर्न नोट्स दे रही हूँ और बाद में आपको रीडिंग भी करना है नहीं तो आप भूल जाओगे, इसलिए मैं हमेशा हर वीडियो जब बनाती हूँ तभी मैं हमेशा कहती हूँ टेक्स्ट बुक रीडिंग भी करना है और जो भी मैं नोट्स दे रही हूँ हिंदी नोटबुक में वो आपको रीडिंग करना है बच्चों, उनका वाचन करना है तो ही आपको समझ में आएगा, आपको दूसरा भी वर्क रहता होगा, इसलिए मैं कम से कम नोट्स दे रही हूँ। इस बाद में आपको टेक्स्ट बुक पाठ का वाचन करना पड़ेगा क्योंकि रिटर्न नोट्स मैंने बहुत ही कम दिए बच्चों, आप बोल रहे हैं थोड़े लेस नोट्स देना लेकिन इतने कम नोट्स दिए मैंने आपको, बहुत ही कम नोट्स दिए हैं बच्चों। और मैंने पोर्शन आपको बताया था कि आपके फर्स्ट सेमिस्टर का पहली इकाई का जो पोर्शन आपको है वो मैंने बताया था और जो पार्ट नहीं है वो मैंने आपसे मतलब इंडेक्स बताई थी और कैंसल भी करवाया था, मतलब दो पार्ट नहीं है तो उनमें से एक पार्ट हमारा हो गया है और नोट्स भी दिए थे लेकिन यह पार्ट आपको नहीं है, मैंने कट भी करवाया था, फिर से मैं आज आपको बता रही हूँ पार्ट चार देहांत और शहर, यह पार्ट आपको फर्स्ट इकाई मतलब पहली इकाई में जो है वो नहीं है। और पाठ कविता आठ जीवन नहीं मरा करता है, यह कविता भी आपको अभी फर्स्ट इकाई में नहीं है, आपकी एग्जाम कब हो जाएगी
स्कूल कब चालू हो जाएगी हमें पता नहीं है, लेकिन आपको घर से ही रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी तरह से करनी है हर एक सब्जेक्ट की, समझ में आया? और हर एक सब्जेक्ट आपको है, आपको रिटर्न वर्क मिलता होगा, इसीलिए मैं कम नोट्स दे रही हूं। तो याद रखो, पाठ 4 और कविता 8, जीवन नहीं, यह सिलेबस में अभी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए नहीं है। आपकी एग्जाम कब हो जाएगी वो सब कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं वीडियो में ही आपको प्रैक्टिस टेस्ट ले रही हूँ, साथ साथ कुछ रिटर्न वर्क भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा ही दे रही हूँ। बच्चों, जो भी दे रही हूँ आपको लिखना है और रीडिंग करना है, और हमेशा के लिए मैं बता रही हूँ, जो भी रिटर्न वर्क मिलेगा हिंदी नोटबुक में ही लिखना है। एक बुक खत्म हो गई तो दूसरी बुक बनानी है। किसी ने 200 पेज की बनाई है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने 100 पेज की बनाई, बच्चों कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो भी दूसरी आप बना सकते हो। समझ में आया ना? मुझे चलेगी 2 बुक, समझ में आया? और आपको ठीक से संभाल कर रखनी है, घुमाओ मत। आप बोलोगे बाद में बुक गुम हो गई, ऐसा मत कहो। आपके जहां पे सारे सब्जेक्ट के बुक्स है उधर ही अच्छी तरह से आपकी बुक रखो। मैंने फिर से आपको पोर्शन बताया, मतलब टोटल आपको पार्ट 1, 2, 3, पार्ट 5, मतलब कविता 5वीं, छठा पार्ट और 7, जहां चाह वहां, मतलब टोटल 8 लेसन में से आपको 6 लेसन फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रहेंगे। कोई कोई पूछते हैं एग्जाम कब है, स्कूल कब चालू हो जाएगी, बच्चों ये सब मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पूछना है स्कूल कब चालू हो जाएगी। जब भी हमें मैसेज आएगा तब हम सब मिलेंगे। बच्चों, आप अच्छी तरह से घर पे रहो, अच्छी तरह से, हाँ, इधर उधर नहीं ज्यादा घूमना है, हाँ, ठीक है। तो आज पेज नंबर फर्स्ट इकाई जब भी खत्म हो रही है, जहां लास्ट देखो, पेज नंबर मैं बता रही हूँ, पेज नंबर 24। बच्चों, हर लेसन के नोट्स मैंने दिए हैं, थोड़े ही दिए हैं, साथ साथ मैंने ग्रामर भी पढ़ाया है। बच्चों, जो लेसन नहीं है आप बोलोगे कि उसका ग्रामर भी, लेकिन उसका ग्रामर जो मैंने देखा है वो 8वीं स्टैंडर्ड कक्षा 8 में भी है, 9th में भी है और 10th में है, इसलिए मैंने वो ग्रामर भी आपको पढ़ाया है, समझाया है और रिटर्न में भी दिया है, ठीक है। अभी आज मैं पेज नंबर 25 अभ्यास 1, ओ ग्रामर, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया मैंने आपको पढ़ाया भी है और साथ साथ उसके नोट्स भी दिया है, संज्ञा सर्वनाम के शब्दों के भेद, समझ में आया? अच्छी तरह से समझाया है। देखो, अभी यहाँ पे एक पेड़ है, दिखाई दे रहा है, पेड़ पर पंछी बैठे हैं, हाँ दिखाई दे रहा है, बाद उधर चिट्टिया है, कौन है, एक लड़की है, बाद में एक आदमी है, हाँ, बाद में एक लड़का है, लड़का मतलब वो पिताजी उनके, हाँ, वैसे आपको सेंटेंस बनाने हैं और उसी सेंटेंस को आपको लिखने हैं, लेकिन ये रिटर्न वर्क मैं आपको नहीं दे रही हूँ, ऐसे मैं आपको समझा रही हूँ, समझ में आया? अभी लड़की, लड़की कौन सा प्रकार आया, संज्ञा, हाँ, किसी व्यक्ति वस्तु चीज जो भी है उसका नाम किस में आता है, संज्ञा में आता है, समझ में आया? बाद में चिटिया, चिटिया किस में आया, संज्ञा में आया, ये सब संज्ञा है, पेड़ संज्ञा, बाद में पानी, पानी किस में आया, संज्ञा में आया, ये सब आपको वर्गीकरण करना है यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आपको संज्ञा शब्द में, सर्वनाम में, विशेषण में और क्रिया में वर्गीकरण करना है। यह जानकारी मैं बाद में आपको दे रही हूँ, आपको रिटर्न नोट्स कम चाहिए इसलिए मैं सिर्फ समझा रही हूँ, समझ में आया? अभी मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रही हूँ, मैं किस में गया, सर्वनाम में गया, समझ में आया? मेरे पास एक आम है, एक मेरे पास पीला आम है और हरा आम है, तो ये किस में गया, विशेषण में, मैं इधर बैठा हूं, मैं इधर बैठी हूं, बैठा हूं, बैठी हूं, हाँ, ये किस में गया, क्रिया में गया,
हाँ बैठा हूं, इधर पत्ते गिरे हैं, किसमें गया? क्रिया में, समझ में आया? बाद में, मैं एक लड़की हूं शब्द क्रिया में गया। बच्चों समझ में आया? यह वर्गीकरण आपको सेंटेंस के साथ करना है, लेकिन मैं रिटर्न नोट्स नहीं दे रही हूं, सिर्फ समझाया। नेक्स्ट पेज टर्न करना है। पुनरावर्तन, देखो पुनरावर्तन बच्चों, पेज नंबर 26 पुनरावर्तन। पहली इकाई लास्ट पेज दिखाई दिया। शब्दों की अंताक्षरी खेलो। बच्चे देखो, जैसे श्रृंखला, यह एक शब्द है, तो हमें ला से, ये देखो श्रृंखला, श्रृंखला जो शब्द है, श्रृंखला, तो हमें ला से शब्द तैयार करना है। ला ला से कौन सा शब्द तैयार हो गया? लालित्य। हाँ, बाद में त्य, लास्ट एंड वाला शब्द लेना है, यमुना। आप कौन से भी य वाले शब्द तैयार कर सकते हो। बाद में क्या आया? ना, नारियल। ल से लहसुन। हाँ, ल से लहसुन, ना शब्द लिया नारियल। बाद में एंड वाला शब्द कौन सा आया? ल से लहसुन। न से नल। समझ में आया बच्चों? इसी तरह आपको शब्द तैयार करने हैं, समझ में आया? यह सिर्फ आज मैंने समझाया है बच्चों, आप बाद में हम लिख कर लेंगे, ठीक है? यहां तक आप बोलेंगे कितने शब्द है, तो मार्क्स देखने हैं। 2 मार्क्स है तो 4 शब्द आगे के बनाने हैं, समझ में आया? हाँ, दूसरा प्रश्न है, निम्न प्रकार के मात्रा एवं चिन्ह वाले अन्य शब्द बताओ। अभी काला शब्द है, ये आ मात्रा वाला शब्द है, कौन से? आ, समझ में आया? तो काला शब्द मात्रा वाले शब्द काला, तो इसके का, ये देखो काना वाले शब्द आया, आता, ये देखो, समझ में आया? ये सब काना मात्रा वाले शब्द। बाद में दूसरा क्या है? बुलबुल, 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 कुलकुल, कुलकुल, थुल थुल, थुल थुल, समझ में आया बच्चों? इसी तरह से एक उनसे उकार वाले शब्द है, कूल। हाँ, बाद में ऐसे हम शब्द तैयार, थूल। हाँ, ऐसे शब्द हम उकार वाले तैयार कर सकते हैं। बाद में बच्चों तीसरा वर्ड है कृपान, कृपान, कृपान शब्द, कृपालु, ऐसे शब्द तैयार करने हैं। ये देखो रू वाले शब्द, कृपालु। बाद में वृक्ष, हाँ, ऐसे शब्द हमें तैयार करने हैं। केले, केले शब्द है, दिखाई दे रहा है? केले, तो केले का शब्द हमें मेले, हाँ, पेले, हाँ, ऐसे शब्द हमें, एक मात्रा वाले शब्द, वैसे हमें शब्द तैयार करने हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी वर्णमाला क्रम से, मतलब ये जो वर्णमाला है पूर्ण, तो हमें अ अ कहाँ है? आपको वर्णमाला आती है बच्चों, तो हमें ऑर्डर वाइज तैयार करनी है, इसमें से ढूंढने हैं। और अ से मतलब स्वर अलग लिखो और व्यंजन अलग लिखने हैं। आज मैं रिटर्न वर्क बच्चों कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ समझाया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, अपने विद्यालय में आयोजित अंतरशालाय चित्रकला प्रदर्शनी का विज्ञापन बनाकर लिखो। बच्चों यह जो है विज्ञापन है, मतलब एडवर्टाइज, इसे क्या कहते हैं हम? एडवर्टाइज। आपको एडवर्टाइज तैयार करनी है, तो मैं आपको समझाऊंगी कैसे एडवर्टाइज तैयार करनी है। बच्चों आप जाते समय सब बैनर वगैरह देखते हो दुकान के बाहर, या सेल सेल, ऐसे इस तरह से एडवर्टाइज मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पे उपक्रम दिए हैं, प्रतिदिन श्याम पट्ट पर सुंदर एवं सुडौल, मतलब सुविचार, थॉट्स लिखने, आप लिखते हो ना बोर्ड पर बच्चों, वैसे। बाद में उपक्रम, प्रति सप्ताह समाचार पत्र के मुख्य समाचारों का लिप्यंतरण,
बच्चों न्यूज़पेपर आते हैं मालूम है, तो मेन जो इम्पोर्टेंट नोट्स है आपको नोटिस बोर्ड पे कभी कभी लिखने बोलते हैं, किसी किसी की जिम्मेदारी रहती है ना, तो क्लास में बोर्ड है या नीचे हमारा जो स्कूल में एक बोर्ड है, तो हम किसी कोई कोई लीडर भी लिखते हैं, किसी को जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं वो लोग क्या करते हैं, न्यूज लिखते हैं, इम्पोर्टेंट सब नहीं, हाँ उसे बोलते हैं समाचार का लिप्यंतर। नेक्स्ट उपक्रम, प्रति माह अपनी मातृभाषा के 5 वाक्य का हिंदी में अनुवाद, मतलब ट्रांसलेशन, आप जो लैंग्वेज बोलते हो बच्चों उसी का, उसी में से, उसी लैंग्वेज में से 5 सेंटेंस आपको ट्रांसलेशन करने हैं, ऐसी जानकारी है बच्चों, रिटर्न वर्क इसी में से कुछ नहीं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए क्या है। प्रकल्प मतलब प्रोजेक्ट, आप लोग, आपको हम जो प्रोजेक्ट देते हैं उसे कहते हैं प्रकल्प, किसी विषय का आपको मनी या कुछ ऐसे कलेक्शन बोलते हैं और जानकारी लिखने के लिए बोलते हैं ना मत, सब उसे कहते हैं प्रकल्प प्रोजेक्ट। और ग्रुप बनाते हैं, आप सभी को ये ग्रुप वाइज प्रोजेक्ट तैयार करना है ऐसे जानकारी, उसे कहते हैं प्रकल्प। बच्चों आज मैंने रिटर्न वर्क कुछ नहीं दिया, सिर्फ समझाया है, इसी बात का आपको ध्यान देना है, और जो भी रिटर्न वर्क्स मैंने लास्ट वीडियो तक दिया है आज कंप्लीट करके रखना है, आज आपको सिर्फ रीडिंग करना है। धन्यवाद।